मंकी पॉक्स को लेकर के हम पूरी तरह से सतर्क हैं और पूरी तैयारी हमारे पास है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ सूचनाएँ मिली हैं उन मरीजों का अध्ययन किया जा रहा है, उनके अस्पतालों से, उनके परिजनों से जो भी सूचनाएँ मिल रही उस आधार पर हम अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हैं और कोई चिंता की बात नहीं, हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमारे प्रदेश में भी इसके लिए सबको अलर्ट कर दिया गया है और प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि यदि इस तरह का कोई भी केस संभावित लक्षणों का यदि पाया जाता है तो उसकी तुरंत निगरानी करी जाए, उसकी जांच, अगर यदि कोई लक्षण है तो संभावित लक्षण है तो उसको आइसोलेट करते हुए फिर उसकी जांच कराई जाए, RT-PCR जांच कराई जाए और यदि उसमें पुष्टि होती है तो व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा जाए। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। चिंता की बात तो है क्योंकि अगर जो इस टाइम हम चिंता ना करें और इसको सीरियसली ना लें और ये फैलना शुरू हुआ तो ये बहुत ही भयंकर चीज है क्योंकि ये स्प्रेड हो सकता है बहुत जल्दी। तो एक हम ऑलरेडी कोविड से जूझ रहे हैं और अगर जो एक और बीमारी फैल जाए हिंदुस्तान में तो बहुत ही लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा और डेंजर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये जो गवर्नमेंट ने जो किया है बेसिकली टेस्टिंग के मतलब कि एग्जामिनेशन ऑफ एनीबडी हु हैज एनी सिम्टम्स, यही अपील करी गई है कि अगर जो कोई सिम्टम्स हैं आपको और रैश है, फीवर है और रैश है तो आप अपने आप को चेकअप करवा लें। दूसरा है कि उस जो केसेस सामने आते हैं उसकी ट्रेसिंग ऑफ ऑल द कॉन्टैक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द पेशेंट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, इज डूइंग अ गुड जॉब, बट द पॉइंट बेसिकली इज द पब्लिक शुड ऑल्सो बी अवेयर। अल्टीमेटली पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई ये क्या इसके लक्षण हैं, कैसे हम अगर कोई हमारी नज़र में कोई आता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें, अपने आप को बचाएं। और आज के दिन ये भी बड़ी बात है कि हमें जो कोविड के प्रिवेंटिव थे, कुछ जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं कहते हैं, जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट हम कहते थे दूरी रहे, तो 2 गज की दूरी, मास्किंग तो खैर हम कोविड के लिए कर ही रहे हैं क्योंकि आज भी केसेस बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, कल लास्ट 2-3 दिन में तो 14,000 ब्रीच कर गए। तो इसीलिए हमें एक तो कोविड से बचना है और क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, दूसरा फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचना है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।